जिला कांगड़ा में आजकल मनकोटिया वर्सेस सरवीन चौधरी के बीच जंग शुरू हो चुकी है। हाल ही में मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता में एक कैबिनेट मंत्री की जमीन खरीद फरोख्त के आरोप लगाए थे, जिसमें कि मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने किसी मंत्री या नेता का नाम नहीं लिया था। उसी के चलते धर्मशाला में सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्री सरवीन चौधरी ने पत्रकार वार्ता की और पत्रकार वार्ता में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था जो कि किसी को हताहत कर सकते हैं। सरवीन चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेजर विजय सिंह मनकोटिया मक्कार हैं। मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने उन पर निराधार आरोप लगाए हैं। सरवीन चौधरी ने अपने शब्दों की सीमा को लांघते हुए यहां तक कह डाला कि मेजर विजय सिंह मक्कार और धोखेबाज हैं, जो सेना में काम नहीं कर पाया वो राजनीति में नहीं टिक पाएगा। और सरवीन चौधरी ने कहा कि मनकोटिया पर मानहानि का दावा करेंगे, दावा तो सही है, मंत्री महोदय पर आपके ऊपर मेजर साहब ने आरोप लगाए, इस बात का पता आपको कैसे चल गया कि मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने उनके ही खिलाफ आरोप लगाए हैं। अब सरवीन चौधरी की बात कर लेते हैं तो सरवीन चौधरी ने जो भी बातें मीडिया के समक्ष रखी उससे साफ जाहिर होता है कि सरवीन चौधरी ने जमीन खरीदी है जिसका लेखा जोखा उनके पास है। सरवीन चौधरी ने यह भी कहा कि फतेहपुर में जो जमीन खरीदी है वह जमीन का एक तिहाई भाग ही काम आएगा और इस जमीन में 20 नाले और एक खड्ड शामिल हैं और ये जमीन हमने अपने निजी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए ली है। सरवीन चौधरी ने कहा कि मैक्लोडगंज में एक गेस्ट हाउस मेरे बेटे के नाम पर है, जमीन तो हमने खरीदी है लेकिन मनकोटिया ने निराधार आरोप लगाए हैं, जिसका खामियाजा मनकोटिया को मानहानि के दावे के साथ भुगतना होगा। सरवीन चौधरी ने कहा कि 4000 करनाल भूमि कहीं भी नहीं खरीदी गई और मनकोटिया पहले तथ्य जांच लें उसके बाद कुछ कहने की बात करें। सरवीन ने कहा कि अभी कानूनी प्रक्रिया जारी है, जैसे ही कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो मेजर विजय सिंह मनकोटिया मानहानि का दावा किया जाएगा। बेसिकली तो मुझे लगा कि मुझे जो मेरे वेल विशर्स ने जिस तरीके से उनको ये इस पत्रकार वार्ता से ठेस पहुंची, उनको लगा कि आप अपनी बात को रखें, तो मुझे लग रहा था कि मुझे 2-3 दिन और लगेंगे कानूनी प्रक्रिया में, तो मुझे अपने मुख्यमंत्री जी से अपने संगठन से उस बारे में चर्चा करनी थी। कैबिनेट भी बीच में आई तो मैं शिमला गई। जैसे मैं कल पहुंची रात को तो मुझे पहला काम मैंने किया आप लोगों से रूबरू होने का, आपसे बात करने का। देखिए, जमीन खरीदना हर किसी का फंडामेंटल राइट है। अपने कानून की प्रति में रख रह के अपने सोर्सेज से जमीन खरीदना ये हम सबका अधिकार है। उसी के बीच में मेरे परिवार जो है उसने ये जमीन खरीदी तो हमें भी एक ग्रो करने का अधिकार है। इसमें क्या क्या है, अगर आर्मी ऑफिसर 32 साल की सर्विस करके अपनी सेविंग और अपने अपनी रिटायरमेंट के ऊपर जो है पेंशन मिलती है अपने सोर्सेज से कुछ करता है, तो मुझे लगता है कई लोगों के तो कई कई गुना ज्यादा है। वो अपनी अपनी बात को रखें, मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। देखिए, ये 4000 वाला तो आरोप गलत है। बाकी जिस जिसके भी नाम लिए गए हैं, मेरा नाम तो लिया नहीं गया। मैं पत्रकार उस वार्ता में इसलिए आई कि मैं जानती हूँ रतन चंद कौन है, मेरे प्रिय हमारे आदरणीय ससुर रहे हैं, ब्रिगेडियर पवन कौन है, प्रसाद पर मैं जानती, आप सब भी जानते, आप सबको पता है। अब ये तो कानून के डर से डरपोक व्यक्ति ऐसा करता है ना, भी नाम ही नहीं लेना, बाकी सब कुछ कह देना। क्यों, मैं तो सामने आई हूँ, मेरा नाम तो नहीं लिया, मुझे पता है कि किस और इंकित हो रहा है, तो मैं अपनी बात को रखने के लिए आपके बीच में आई हूँ। और मैं अश्योर करती हूँ जैसे ही मैं कानून की प्रक्रिया की पूरी करती हूँ आपसे दोबारा रूबरू होंगे, आप मेरे से और फैक्ट्स। आप बहुत प्यार से पूछ रहे हैं मुझे ये प्रश्न। मेरे परिवार के नाम पे जो जमीन है वो विद इन आर राइट्स है, विद इन लिमिट्स है, कानून की प्रगति में है, और जो कानूनी प्रक्रिया है निश्चित रूप से हम उसको अपनाएंगे। देखिए, पत्रकार बार बार पूछते हैं कि एक बार नाम लीजिए, फिर वो कह रहे हैं कि वो उससे सरवीन चौधरी से सब डरते हैं। क्या उनको मेरे से कोई डर था कि उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया? उनको मेरा नाम लेना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास पूरी फाइल है, पूरे पेपर्स हैं, अगर वो पूरी बात सच नहीं कह रहा तो ये मकारी नहीं है तो और क्या है। किसी भी बात को सनसनी बनाना, झूठ बोलना वाली बात आ जाती है, मुझे लगता है। इसलिए मेरे मन में जो था मैंने आपके आगे रख दिया।